नमस्कार, मैं जेसिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुआ था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आज के दिन हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने प्रधानमंत्री रहे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया गया जय जवान जय किसान का उनका ये नारा आज भी प्रासंगिक है। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्री रहते हुए प्रथम बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की और भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया गया। शास्त्री जी अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आज के दिन हुई थी स्थापना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कंपनी है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए जहाज चलाती है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन को मिलाकर की गई थी। 18 सितंबर 1992 को कंपनी का दर्जा प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया था। शिपिंग कॉरपोरेशन को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न की उपाधि दी थी। शिपिंग कॉरपोरेशन व्यवहारिक तौर पर नौवहन व्यापार के सभी क्षेत्रों में कारोबार करती है। आज के दिन हुआ था विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का निधन। देश के विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का 2 अक्टूबर 1906 को निधन हो गया था। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में राजा रवि वर्मा के बनाए चित्रों का विशाल संग्रह है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर रंग रसिया फिल्म बनाई थी। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। 12 रत्नों और धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की ये साड़ी दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।